सर जी दबा लो ये गाड़ी है सर उतर आओ जा 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 तो सर यू विकलांग है सर महिला विकलांग गाड़ी है यहां किधर प्रधान सही हैं आप लोग बंद करवा दीजिए और यही मां हमारे गांव के लोग का सब लोग का रिक्वेस्ट है कि पूरा निवेदन भी है कि आप लोग जरूर बंद करवा देंगे अरे लमसम 2-3 साल से बिक रहा है पीने के बाद सब लोग फालतू फालतू बात बोलते हैं और यही मार झगड़ा हो रहा है और क्या गांजा और शराब दोनों बिकते हैं और यहाँ गरीब जो मजदूर हैं दिन भर काम करते हैं शाम की अपना और गांजा भी पीते हैं और शराब भी पीते हैं पी के घर पे आकर लड़ाई भी करते हैं और महिला को मारते पीटते भी हैं यहाँ से आप लोग से रिक्वेस्ट है सर कि यहाँ की जो गांजा और भांग की जो ठीका है उसको ख़त्म कर दीजिए सर हमारा गाँव इस लाहौली और यहाँ पे गांजा और दारू दोनों बिकता है हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसे बंद कराने का कष्ट करें और इससे हमारे गाँव को बहुत नुकसान हो रहा है युवा पीढ़ी भी गांजा और दारू पी कर झगड़े मार कर रहे हैं क्या आ रहे हैं पी के जा रहे हैं हर बंग बोल रहे हैं गांव वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा झगड़ा हो जा रहा है अरे भाई लोगों के पास पैसा और दारू भी पी रहे हैं तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं गांजा लेने जाते इसलिए जो है इसको बंद कराया जाए हैं गांव हम लोग का सुरक्षित रहे शर्मा पड़ेगा ग्राम सभा है और एक आध दो बार जेल भी गया है लेकिन जेल से कोई उसका कुछ होता नहीं है कहता है कि हम बेचेंगे जिसको जो करना है करे थाने वाले ले जाते हैं सर पकड़ के दबिश देके और ले जाते हैं उनको अपना जो घुसपताई लेके फिर छोड़ देते हैं कोई कार्रवाई नहीं करते कोई कार्रवाई करते तो फिर 2 साल हो गया बंद हो गया होता कब के भाई मोदी की राज है हम तो सोच रहे हैं मोदी की राज बहुत बढ़िया है लेकिन मोदी के राज में खुलेआम इतना गांजा बिक रहा है